हाई एवरीवन, यू वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन और ये खबर बिग बॉस हाउस से। वैसे बिग बॉस अभी तक आया नहीं है, पर उससे पहले ही उसे बायकॉट करने की सारी प्लानिंग हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जो पूरी मुहिम नेपोटिज्म की है, उसका मकसद है आउटसाइडर्स को सपोर्ट करने का। बिग बॉस में जितने भी लोग आते हैं वो मोस्टली आउटसाइडर्स होते हैं, जो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे बायकॉट कर रहे हैं। और उनका लॉजिक है सलमान खान का होस्ट होना। खैर, लोगों की बातें लोग जाने, आइए आपको हम वो खबर देते हैं जो हमारे पास है। सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब एक ऐसा नाम है बिग बॉस के इतिहास में जो कोई भी नहीं मिटा सकता, और जब तक बिग बॉस रहेगा सिद्धार्थ शुक्ला का नाम रहेगा। बिग बॉस 13 को सुपर सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सिद्धार्थ शुक्ला को। कलर्स टीवी के फेवरेट रहे हैं, उनको जमाई बुलाया जाता है कलर्स टीवी का। और 2000 ये जो बिग बॉस 14 आ रहा है, इसके लिए भी सिद्धार्थ शुक्ला को अप्रोच किया गया है। और अब ये देखना है कि सिद्धार्थ शुक्ला का क्या रिएक्शन आता है। आपको बता दें कि अपने फेवरेट लोगों को बुलाने के लिए बिग बॉस कोई भी कीमत देने को तैयार है। खबर यहाँ तक आई कि जेनिफर विंगेट को 3 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सिद्धार्थ शुक्ला को अप्रोच किया गया है। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए उनको इन्वाइट किया जा रहा है ताकि इस सक्सेस को दोहराया जा सके। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आना भी रिस्की है और नहीं आना भी रिस्की है। बिकॉज 99% ऑफ टाइम्स सिद्धार्थ शुक्ला ऑलवेज डू कलर्स टीवी का शो। तो अगर वो आते हैं तो इट्स सुपर एक्साइटिंग, अगर नहीं आते हैं तो भी एक्साइटिंग है, देखने वाली बात होगी। बट आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस 14 इन सम अदर वे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक उनके फैंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है, एंड सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे अगर सिद्धार्थ शुक्ला पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर मोर न्यूज़ की वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन।